الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قهر بعزته العائزة وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر لا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. ہماری گفتگو کلام الہی کی ہدایات کی روشنی میں، جو خالق کائنات نے انسانیت کی، انسان کی خلقت، آفرینش اور پیدائش کا ہدف بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے کاروان نوع انسانی کو وجود عطا کیا، لباس خلقت پہنایا، الا لیعبدون، تاکہ وہ ہماری بندگی کر سکیں، وہ ہماری عبادت کر سکیں، وہ عبدیت کو، بندگی کو پایہ ثبوت تک پہنچا سکیں. اس لیے ہم نے انسان کو صفائی کائنات پر اس کے ان تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ جو ہم نے اسے جوہر عقل سے نوازا، جو صلاحیتیں عطا کیں، جو استعدادیں عطا کیں، جس طرح اس پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا، خلقت العالم لاجل کا، یہ سارا عالم یا عوالم، یہ پورا یونیورس، یہ پوری کائنات انسان کے لیے پیدا کی، اور انسان کو خلقتک لنفسی، صنعتک لنفسی، خلقتک لاجلی، اے انسان میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا، تو مرضی مولا کے پہرے اپنی زندگی پر بٹھا کر پاک و پاکیزگی کے ساتھ طہارت کے حصاروں میں اپنی زندگی کو بسر کرے، یہی مطلوب مولا ہے، اور یہی تمہاری پیدائش اور خلقت کا الہی مقصد ہے. تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے انسان کو کچھ ضوابط ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، کچھ عبادات ہیں جن کی پابندی کرنا ہے. اور اسلام صرف انسان کو عبادات کا مجموعہ ہی عطا نہیں کرتا، بلکہ اس میں معاملات ہیں، اس میں اخلاقیات ہیں، ایک مکمل پیکج ہے جو خالق کائنات نے انسان مومن کو
लिकाए इलाही की मंजिल पर सरफराज होने का इश्तियाक रखने वाले अहले दिल अफराद को अता किया है। अगर तुम चाहते हो वमन का नर्जु लिका रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादत रब्बिही अहदा। जो लिकाए इलाही की बुलंदो बाला मंजिल पर सरफराज होना चाहता है, जो इंसान मानवियत का सफ़र इख्तियार करना चाहता है, जो मलकूत आला की जानिब अपनी रूह की बुलंदी और परवाज का एहतमाम करना चाहता है, उसके लिए लाजिम है मन का नगर जो लिका रब्बिही, जो लिका इलाही की मंजिल का इश्तियाक पर सरफराज होने का इश्तियाक रखता है, फलियअमल अमलन सालिहा, वो अमल अंजाम दे मगर आम अमल नहीं, अमलन सालिहा, ऐसा अमल अंजाम दे जो अमल ता युश्रिक बे इबादत रब्बिही अहदा, और उसकी इबादत खालिसाना इबादत हो, मुखलिसाना इबादत हो, उसकी इबादत में गैरुल्लाह की शिरकत ना हो, वो खुद गैरुल्लाह की स्लेवरी से आज़ाद हो, गैरुल्लाह की ग़ुलामी से आज़ाद हो, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, उसका हर लम्हा 24 घंटे कुरान करीम की इस आयत की तशरीह हो, तफसीर को समझने में बसर हो, इस कुरान करीम की आयत के तालीमात से हम आहंग हों कि इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। जैसा कि मौला कायनात ने नहजुल बलागा में साहिबान तकवा के सिफात व औसाफ को बरमला करते हुए इरशाद फरमाया है कि अज़मल खालिकु फी अनफुसिहिम फसगुरा मादूनहु फी आयुनिहिम, ये वो बुलंदो बाला हस्तियाँ हैं सफ़ाए ज़मीन की, अहले बैत के ट्रू फॉलोअर्स, अहले बैत के पैरोकार, उनके सही चाहने वाले, ये मैसमो मिकदाद के किरदार के विरसादार फरजंदान मकतब तशय्यो, ये ऐसी बुलंदो बाला हस्तियाँ हैं, ये अजमत किरदार के ऐसे बुलंदो बाला मनारे हैं कि अज़मल खालिकु फी अनफुसिहिम, इनकी निगाह में सिर्फ एक ज़ात अज़ीम है, एक ज़ात अज़ीम है और वो खालिक की ज़ात है, सिर्फ उसके लिए अजमत के कायल होते हैं। फ़स्तग़फ़िरु मा दूनहु फ़ी आयुनिहिम, उसके सिवा जो भी है वो इनकी निगाह में ठहरता नहीं, सिर्फ खालिक की ज़ात है जो इनके लिए अहम है, जो इनके लिए अजीम है, जिसके हुदूद की पासदारी करना इनके लिए वाजिब है, जिसके हुदूद की, जिसके कायम करदा हुदूद से कभी ये तजावुज़ करना पसंद नहीं करते, जिसकी फरमा बरदारी को अपना नस्बुल ऐन करार देते हैं। तो मौला कायनात ने अपने चाहने वालों के सही पैरोकारों के जो सिफात बयान किए उनमें नुज़िलत अनफुसुहुम मिनहुम फिर्रखा, उनके नुज़िलत अनफुसुहुम मिनहुम फिलबला कल्लती नुज़िलत फिर्रखा, इतने ये अफराद पुरसकून हैं, इतने बावकार हैं, इतने शानदार हैं, इतने अजीम शान हैं कि नुज़िलत अनफुसुहुम मिनहुम फिलबला कल्लती नुज़िलत फिर्रखा, जैसे आसाइश में, रिफाह में, फरावानी में, वसअत में, आसानी में, दौलत में, सरवत में, माल में, मुआशरे में एक समाजी बुलंदो बरतर हैसियत रखते हुए ये थे नुज़िलत अनफुसुहुम मिनहुम फिलबला कल्लती नुज़िलत फिर्रखा। अगर आज वतन से बेवतन हो जाएं, दर से दर बदर हो जाएं, घर से बेघर हो जाएं, मालो मता छिन जाए, लुट जाए, उस वक्त बिल गेट्स की दौलत थी, आज फाके पे फाका है, इनके तर्ज फिक्र में कोई तब्दीली वाकई नहीं। जिंदगी का अंदाज बदल सकता है कि पहले दुनिया का रिचेस्ट इंसान था, आज दुनिया का फाका ज़दा तरीन इंसान है, डिप्राइव तरीन इंसान है, लेकिन नुज़िलत अनफुसुहुम मिनहुम फिलबला कल्लती नुज़िलत फिर्रखा, लेकिन इनकी जो कैफियात बातिनी हैं, वारदात कल्बी हैं,
इनका जो नेहा खाना है वजूद है, इनकी जो कैफियत सिर्री है, इनके जो दिल की धड़कने हैं, इनकी जो कल्बी कैफियत है, इनके जो जहनी रुझानात हैं, इनके तबाही के जो मैलानात हैं, इनके जो ख्यालात हैं, इनकी जो सोच है, इनकी जो फिक्र है, जाविया फिक्र तब्दील नहीं हुआ। इसलिए कि ये सिर्फ जबान से नहीं कहते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बल्कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की अमली तफसीर को इन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया है। इय्याका नअबुदु, जब दुनिया के दौलतमंद तरीन इंसान थे तो भी हमारी गर्दन में सरिया नहीं था। इलाही कफा बी इज्जा अन अकूना लका अब्दा व कफा बी फखरा अन तकूना ली रब्बा अंत कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब। जब सारी कायनात की दौलत मेरी दहलीज पर सजदा रेस थी तो मैं तेरी बारगाह नाज में अपनी जबीन नाज को खम किए हुए, इलाही कफा बी इज्जा अन अकूना लका अब्दा, मेरे इज्जो वकार के लिए, मेरी आजमत के लिए, मेरी शान और शौकत के लिए तनहा ये काफ़ी है, क्या ना कू ना लगा अबदा, मैं तेरा बंदा हूँ। वकफा भी फखरा अन तकू नली रब्बा, और मेरे फख्र मुबाहात के लिए इतना ही बस है कि तेरे ऐसी ज़ात मेरा मेरी वली ये नेमत है, तू मेरा रब है। कफा भी फखरा अन तकू नली रब्बा अन तकमा, तुझ में वो तमाम कमालात हैं जो एक अब्द अपने माबूद में देखना चाहता है, एक गुलाम अपने आका में देखना चाहता है, एक बंदा अपने सरदार में देखना चाहता है, वो तम अंत कमा फजअलनी कमा तुहिब, अब तू भी मुझे वैसा बना दे जैसा तू अपने अब्द को देखना चाहता है, मुझे भी वो शान बंदगी अता कर दे, मुझे भी मफहूम ज़िंदगी और मफहूम बंदगी से आशना कर दे, मुझे भी अपने कायम करदा में यारात से मुतारिफ करा दे। ये जो पैकेज दिया है खालिक कायनात ने इंसान को, ये जो एक पूरा कॉम्बिनेशन है जिसका नमाज एक हिस्सा है, और हमारे ऐसे जाहिल खाकसार ये समझते हैं कि नमाज ही इबादत है, हज ही इबादत है। इस्लाम में न हज मसला है, न नमाज, न ज़कात के लिए के कुरान ने कहा, जैसा कि मैंने रोज़े अव्वल आपसे गुजारिश किया कि खुदा ने नहीं फरमा वमा खलक़तुल जिन वल इंस इल्ला लिस्सलात लिस्सौम लिलहज लिज़कात लिलजिहाद। हमने तुम्हें पैदा किया जहाद के लिए, अदायगी नमाज के लिए, इकामा नमाज के लिए, अदायगी ज़कात के लिए, फरीज़ा हज को बजा लाने के लिए, लिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत। कहा वमा खलक़तुल जिन वल इंस इल्ला लियअबुदून, मकसद बंदगी है हज नहीं, मकसद बंदगी है अदायगी नमाज नहीं, मकसद बंदगी है खैरात व ज़कात नहीं, मकसद बंदगी है वो जिहाद नहीं, असलहे वाला जिहाद नहीं, मकसद बंदगी है वो जो माह मुबारक रमज़ान में तुम सुबह से लेकर रात तक भूख प्यास की सुबत को बर्दाश्त करते हो, वो हमारा मकसद नहीं, बल्कि इन तमाम चीज़ों का मकसद एक है, और वो क्या है? बंदगी। और ये एक पूरा पैकेज है, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है, तुम्हें इन सब को बजा लाना है तो फिर तुम बंदे खुदा करार पाओगे, फिर तुम मकाम अब्दियत पर पहुँचोगे, फिर तुम्हारी बारगाह खुदाबंदी में खुलूस नीयत को कबूल किया जाएगा, तुम्हारी इबादत शरफ़ कबूलियत से हमकिनार तब होंगी जब तुम अपने बातिन की प्योरिटी को, पाकिजगी को, तहारत को बारगाह माबूद में पाया सबूत तक पहुंचा सकोगे। तो खालिक कहता है मैंने तुम्हें पैदा किया बंदगी के लिए, अब बंदा बनने के लिए जो आदाब और रसूम दरकार हैं, जो जवाबित चाहिए, जो अखलाकियात चाहिए, जिन एथिक्स की, अखलाकियात की, जवाबित की, उसूलों की पाबंदी ज़रूरी है, और जो आमाल अफ़आल हरकत सकनात तर्ज ज़िंदगी आदाब ज़ीस्त रहन सहन नशिस्त बरखास्त उठना बैठना, वो सब खालिक कायनात ने जो मुतारिफ कराया वो एक पैकेज की सूरत में है, और तुम्हें उसकी पाबंदी करना है, और जब तुम पाबंदी करोगे तो तुम पाओगे बंदा, तुम करार पाओगे बंदा खुदा,
उनकी पाबंदी के लिए इंसान को जिस स्ट्रेंथ की, जिस ताकत की, जिस कुव्वत की, जिस सपोर्ट की जरूरत है, उसको कहते हैं तौफीक। इसीलिए मुंजी आलम बशरियत की जबान वही तर्जुमान से उनके मलकूती लबों पर 24 घंटे में रोजाना यानी बार बार ये कलिमात मचलते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफीक़त ताअ व बुअदल मासिया व इरफान अल हुर्मा। परवरदिगार मुझे अपनी इताअत की तौफीक इनायत फरमा। जब तक तौफीक नहीं इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। आपके पास गाड़ी है, ड्राइवर है, सेहत अच्छी है, मजलिस में पहुंचने का इरादा है लेकिन नहीं पहुंच पाए तो ये क्या है? ये कुछ गैबी सिलसिले हैं। ताईद मौला दरकार है जिसका नाम है तौफीक। तो अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफीक ताअ। परवरदिगार बेशक मेरे बदन में कितनी ताकत है, जैसा कि कल अर्ज किया था कि मुशरिक है, फला यकूनु आमिला अक्वा मिन, तुमसे ज्यादा ताकतवर है बदनी एतबार से, दौलत के एतबार से तुमसे ज्यादा रिच है, वसाइल के एतबार से तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, कामयाब है, लेकिन वो काम अंजाम नहीं देता। क्यों? ला यकूनु आमिला। क्यों? इसलिए कि लम युअता तौफीक, उसे तौफीक अता नहीं की गई, उसे खुदा की जानिब से मदऊ नहीं किया गया। तो तौफीक दरकार है। वह बुअदल मासिया और गुनाहों से दूरी। परवरदिगार तू मुझे गुनाह के इर्तिकाब से, गुनाह को कमिट करने से तू मुझे बचा ले। बुअदल मासिया यानी इंसान खुद बेशक उसकी विल पावर कितनी भी स्ट्रांग हो, उसको खालिक कायनात की जानिब से एक ताईद तौफीक की जरूरत है। व इरफान अल हुर्मा, ये बड़ा अहम दुआ के तमाम कलिमात ही बहुत अहम है। अब आका ने फरमा इरफान अल हुर्मा, हुरमात की मारिफत अता कर, हुरमात हुरमत, इरफान अल हुर्मा, परवरदिगार हराम चीज़ों से मुझे बचा ले। जैसे कि मैं आपसे अर्ज कर रही थी कि मस्जिदुल हराम जअलल्लाहुल काअबतल बैतल हराम, मासूम का हरम हरीम इलाही, तो ये क्या है? हुरमात हुरमत। जैसा कि किसी ने मुझसे बड़ा ही फनी सवाल किया, कहा कि जब हम काबा जाते हैं तो जो वहाँ मस्जिद है उसको क्या कहते हैं? मैं कहा मस्जिदुल हराम। ने कहा इतनी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद तो उसको हराम क्यों है? वो तो हराम हराम का हुरमत हराम, हुरम हुरमात, हरीम हरम, इनका रूट वर्ड एक ही है, मादा एक ही है, यानी जहां पर जाते हुए तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स मुतारिफ करा दी जाए, वो मकान हो या वो शख्सियत हो। फखल अन अलैक इन्नक बिलवादिल मुकद्दस तुवा, खबरदार ऐ कलीम खुदा मूसा अपनी जूतियां उतार दीजिए, नालें उतार दीजिए। इन्नक बिलवादिल मुकद्दस तुवा, ये तुवा की मुकद्दस वादी है, आप नालेन समेत नहीं आ सकते। तो हरीम हराम, हरम हुरमात हुरमतें, जहां तुम्हें तुम्हारे हुदूद बयान कर दिए जाएं। शख्सियत हो तो इसका एहतराम इतना ज्यादा है कि तुम उसके एहतराम को पामल नहीं कर सकते, तुम्हारे ये हुदूद हैं। इसी तरह जगह हो, मकान हो मखसूस मुअय्यन, तो ये हरम है, यहां पर तुम्हारे कुछ हुदूद हैं, कुछ चीजें तुम पर हराम हैं, कुछ चीजों की तुम्हें पाबंदी करना है, हरम है, इसका एहतराम तुम पर वाजिब है। और फरमाया आपने, तो आका ने इरशाद फरमाया जब दुआ की के इरफान अल हुर्मा, परवरदिगार मुझे हुरमात की मारिफत अता कर, हराम चीजों का मुझे शुऊर अता कर। कौन आप मुतवज्जे हैं? कौन सी चीजें हैं जो हराम हैं जिनको मैं अंजाम नहीं दे सकता? ये शनाख्त बहुत ज्यादा जरूरी है। कुरान करीम में फरमा लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनअ, कुछ लोग ऐसे हैं कि दुनिया में वो जितनी काविशें करते हैं वो ये समझते हैं कि हमने नेकियों के पहाड़ अपने लिए कायम कर लिए हैं, लेकिन जब वो आखिरत में हबा अम मंसूरा, डस्ट के बारीक पार्टिकल्स की माने उनका अमल हवा में बिखर जाएगा।
उनके नामा आमाल में कोई नेकी नहीं। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सनअ सुनअ, वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी बड़ी नेकियां की। ऐसा क्यों है? इसलिए कि मारिफत नहीं है, शनाख्त नहीं है, उनको मालूम नहीं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका फरीजा क्या है। ये जो फराइज की अवेयरनेस है, हुजूर का खादिम आका ने फरमाया, उसने बहुत अरसा सर्व किया, आका ने फरमाया तूने मुझे बहुत अरसा सर्व किया है, तो आज मुझसे मांग। कहा क्या? कहा कुछ भी। तो कहा कि मुझे 24 घंटे का वक्त दरकार है हुजूर से, खादिम ने। तो फरमाया क्यों? कहा कि मैं पहले गौर व फिक्र करूं कि मुझे मांगना क्या है। सामिनुल हुजज के दौर में एक जवान, बड़ा बहादुर जवान आका की खिदमत में आया, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में। तो उसने कहा कि आका मैंने सुना है आपके हॉर्स टेबल में, इस्तबल में एक बहुत सरकश घोड़ा है, वाइल्ड हॉर्स है, जो कोई उसको टेम नहीं कर सकता, राम नहीं कर सकता, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा मुझे उससे मुतारिफ़ कराएं। तो आका ने फरमाया कि बहुत सरकश है। तो उसने कहा कि मौला मैं उसको राम कर लूँगा। तो आका ने फरमाया कि कहीं तुम्हें नुकसान न पहुँचाए। तो उसने कहा कि आप मुझे इजाज़त दे दीजिए, मेरे पास एक ऐसा नुस्खा कीमिया है कि उसके होते हुए कायनात की कोई बुरी से बुरी, ख़तरनाक से ख़तरनाक चीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कहा क्या? कहा मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलावात। मैं आप और आपके खानवादे पर सलावात भेजूंगा। तो उसकी सारी सरकशियां फर्मा बरदारियों में बदल जाएंगी। तो आका ने गुलाम को इशारा किया, जाओ ये जिसको चाहता है वो घोड़ा है, इसको आता कर दो। तो सामने ही तशरीफ फरमा थे, तो वो गया और जो सबसे सरकश घोड़ा था उसने उसकी लगाम को पकड़ा, उसमें सवार हुआ। तो एक चक्कर काटा आका की निगाहों के सामने। तो आप बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि जवान बहादुर था और आपने देखा कि उसने घोड़े को कंट्रोल कर लिया, हैंडल कर लिया है। जब वो थोड़ी देर के बाद वापस लौटा घोड़े पर सवार, तो आके अदाए अदब किया और कहा कि सरकार मैं इजाज़त चाहता हूँ और आपका ममनूनों से पास गुजार हूँ कि आपने मुझे इजाज़त दी। तो आका उससे बड़े मुतासिर थे, तो उससे फरमाया कि इधर आओ। काबिल आखिर तुमने घोड़े को राम कर लिया? तो कहा। तो फरमाया मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन इनाम वो देना चाहता हूँ जो तुम खुद मुझसे मांगो, बजाय इसके कि मैं अपनी मर्जी से दूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, वही मैं तुम्हें आता करूँ। उसने कहा आका आप मेरी रहनुमाई फरमाइए। कहा कैसे? कहा आप मुझे बताएं मैं आपसे वो चीज़ मांगूं जो बाकी हो, फानी ना हो, हमेशा बाकी रहे। जो पैगंबर के ग़ुलाम ने, खादिम ने कहा था या रसूल अल्लाह मुझे 24 घंटे का वक्त दरकार है, जब 24 घंटे गुजर गए सरकार ने पुकारा कि तुम्हें हमसे कुछ वसूल करना था, तो तुमने डिसाइड कर लिया? कहा या रसूल अल्लाह कर लिया। कहा क्या? का आका वो अता करें जो बाकी हो, फानी ना हो। कहा वो क्या है? कहता है आका मुझे ऐसा इनाम अता करें, बारगाह खुदाबंदी में मेरे लिए दुआ करें, ऐसा इनाम अता करें कि जब तक मैं जिंदा हूँ, गौर कीजिएगा, जब तक मैं जिंदा हूँ, ता लबे मर्ग और ता दमे कब्र, मुझे इतना शऊर आ जाए कि मुझे अपनी ड्यूटीज़ की अवेयरनेस और दूसरों के राइट्स की तफहीम हो जाए। हमारे यहाँ माहौल घर का हो,
या इमाम बारगाह का हो, कॉलोनी हो या मोहल्ला हो, एक ही बात का झगड़ा है। हर शख्स कहता है मेरे राइट्स, तुम्हारी ड्यूटीज, मेरे हुकूक, तुम्हारे फराइज। ये हुकूक और फराइज की जंग तो जमाने कदीम से जारी है। इस्लाम ने हुकूक और फराइज को बड़ी तफसील के साथ, बड़ी रिजाकारियों के साथ, जुज़ियात के साथ बयान किया है। लेकिन इस्लाम ने जिसको मुखातिब करार दिया है, जिस भी शख्स से इस्लाम खिताब करता है, उससे कहता है खबरदार, तुम्हारे फराइज, तुम्हारी ड्यूटीज, दूसरे के राइट्स, दूसरे के हुकूक। हमेशा दूसरे के हुकूक की बात करो और अपने फराइज की बात करो। हमेशा अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने की फिक्र में लगे रहो और दूसरे के हुकूक को अदा करने की मंजिल में करार पाते रहो, तो फिर इंसानी मुआशरा जन्नत नजीर मुआशरा बन जाएगा। इरफान अल हुर्मा, परवरदिगार मुझे शनाख्त अता कर, मुझे मारिफत अता कर। किस चीज की मारिफत अता कर? हुरमात की मारिफत अता कर। तेरी बारगाह में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए हराम है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं आसानी से बजा ला सकता हूं, बगैर इसके कि मेरे जमीर पर कोई बोझ हो कि खालिक ने मुझे इनको बजा लाने की इजाजत नहीं दी। मसलन हमारे मकतब तशय्यों में जो अहले बैत के साथ मोहब्बत की एक कैफियत है, और जिन जिन ने अहले बैत को अजियत व आज़ार या तकलीफ पहुंचाई, उनसे जो नफरत की कैफियत है, वो कहीं किसी की निगाहों से ढकी छुपी नहीं। जिनसे, जिन्हें हम नापसंद करते हैं, वो वही अफराद हैं जिन्होंने अहले बैत का हक लूटा, जिन्होंने अहले बैत के ऊपर मजालिम ढाए, जिन्होंने उनके साथ ज्यादतियाँ की, जुल्म ज्यादती को रवा रखा। अब उन अफराद से हम नफरत करते हैं, लेकिन हमारा अपना किरदार क्या है? वो शहीद सिप्ते जाफर का जो शेर है, उनका वो कलाम बड़ा मारूफ कलाम है, खुदा को पुकारा, उसमें हर शेर उनका बहुत अच्छा है, लेकिन ये शेर बहुत ही उम्दा शेर है। दो 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 तीन अशआर ऐसे हैं जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। उनमें से एक शेर है, खुम्स देना मवद्दत की एक शर्त है, और न देना भी मिसल फदक है गुना, और न देना भी मिसल फदक है गुना। हक के सादा तो जहरा के मकरूज, हक के सादा तो जहरा के मकरूज से जब तबर्रा सुना, हक के सादा तो जहरा के मकरूज से जब तबर्रा सुना, तो हंसी आ गई, हंसी आ गई। आप उनको किस बुनियाद पे गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, जिन्होंने अहले बैत के हक को लूटा, अपने गरीबान में झांकिए। आपकी जिंदगी में उनके हुकूक की अदायगी किस मरहले पर है? इरफान अल हुर्मा, परवरदिगार मुझे हुरमात की तफहीम अता कर दे, मुझे मारिफत अता कर कि कौन कौन सी चीजें तेरी निगाह में हराम है, नापसंदीदा है, कौन से हुरमात हैं जिनकी तालीम तू मुझे देना चाहता है। मासूम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हुरमातुन सलास, खुदा बंदे मुताल की कुछ हुरमात हैं बंदों के लिए। ऐसी अहादीस भी हैं जो मेरी निगाहों से गुजरी हैं, उनमें अरबा हुरमात भी कहा गया, बाद में खम्स हुरमात भी कहा गया। इस हदीस में फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हुरमातुन सलास, तीन हुरमतें हैं अल्लाह की इंसान मोमिन के लिए, जिनकी पासदारी बंदा बा ईमान को करना लाजिम है। आप बोर तो नहीं हो रही मेरी गुफ्तगू से? बंदा मोमिन के लिए लाजिम है कि वो इनकी पासदारी करे। कहा वो हुरमात क्या हैं? आका ने इरशाद फरमा, किताब हो व नूर हो व हिकमत हो, वो पहली हुरमत उसके हुरमात में से, किताब हो व नूर हो व हिकमत हो। लकद तजल्लल्लाहु लिखल्क़िही फी इबादिही वलकिन्नहुम ला युबसिरून, वो किताब है जिसके जरिए से, जो उसका नूर है, जिसमें उसकी हिकमतें पोशीदा हैं, जिसके लिए खालिक मासूम ने फरमा, जाहिरुहु अनीक व बातिनुहु अमीक, जाहिरुहु हुक्म व बातिनुहु इल्म।